तो फ्रेंड्स फर्स्ट ड्रेस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये क्रमसन प्रिंट का है ठीक है और लॉन्ड फैब्रिक के ऊपर है बहुत पेटी ड्रेस है इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग हुई है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ओके okay, तो ये शर्ट है शर्ट की जो नेक लाइन है वो हमने स्मॉल राउंड नेक लाइन रखी है और पीछे से हमने नेकलाइन की स्लिट खोल दी है ठीक है इसके बाद जो है वो यहाँ पर बीच में गैप था तो हमने गैप के ऊपर ऑर्गेंजा लगाई है और ऑर्गेंजा के साथ साथ हमने यहाँ पर पिंटेसिंग की है और लेसेस लगाई है ठीक है सारी लेस हमने डाई करवा के लगाई है और इसको जो है वो हमने इस तरह से नीचे तक लगाया है ठीक है जहां तक इनका ये राउंड में नेक एंड हो रही थी यहां तक हमने ऑर्गेंजा लगाई है और ये बॉर्डर भी हमने यहीं पे एंड कर दी है तो तीन तीन इंच लाइक तीन तीन लाइंस हमने पिनटेक्सिंग की की है और यहाँ पर लेसेस लगाई है फिर पिनटेक्स की लाइन की है फिर लेस लगाई है ठीक है तो इस तरह से हमने इसकी नेकलाइन की है और आ, इसका कुछ लुक इस तरह से है ये देखें ये सारा कुछ इस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड है फिर यहाँ पर अगेन हमने ऑर्गेंजा लगाई है इस चीज़ को हमने अप्लिक कर दिया है दामन पर इस तरह से ऑर्गेन्जा बॉर्डर के बाद हमने ये लेस टाई करवा के लगाई है ठीक है फिर हमने यहाँ पर ऑर्गेंजा और ऑर्गेंजा के बाद यहाँ पर इसके धागे निकाल दिए हैं, ठीक है चाकू के बैक साइड पर हमने नीट सी फिनिशिंग कर दी है ये इस ड्रेस की स्लीव्स है ठीक है और स्लीव्स पे भी थ्रू आउट एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर जो है वो ऑर्गेंज़ा की ये बॉर्डर इन्होंने जो प्रोवाइड की थी वो हमने आज दिन लगाई है लेकिन आ, हमने यहाँ पर ये सेंटर लेस इस तरह से ऊपर से लगा और है। ये लेस भी हमने टाई करवा के लगाई है इसके बाद अगेन स्लीव्स पर हमने वही डिटेलिंग की है जो हमने दामन पे की थी फ्रेंड्स ये ड्रेस के साथ बॉटम है बॉटम ऑलरेडी चिकन कारी एम्ब्रॉयडरी बॉटम के ऊपर बनी हुई थी ठीक है तो हमने वाइट लेग डिस्क पलाजो बना दिया है ठीक है बड़े पंचे वाला पलाजो बना दिया और यहाँ पर हमने बेल्ट और इलास्टिक बना दिया है फ्रेंड्स नेक्स्ट चीज का तो दुपट्टा है पट्टे के चारों साइडों पे लाइक थ्रू आउट दुपट्टे पर हमने ये डिटेलिंग की है ये हमने फ्लावर वाली लेस ली थी जिसमें बड़े बड़े फ्लावर्स बने हुए थे उसको बीच में से कट करके इस तरह से हमने गैप गैप से यहाँ पर पीछे फंसा है ठीक है फिनिशिंग के अंदर से और फिर यहाँ पर हमने छोटे फ्लावर्स वाली लेस में से फ्लावर्स निकाल के थ्री डी एफेक्ट दिया है तो ये थ्रू आउट दुपट्टे पे हमने ये डिटेलिंग की है और ये लेस भी हमने डाई करके यूटिलाइज की है इसके बाद नेक्स्ट आउटफिट ये है मेरे पास जो की मारियापी ब्रांड का है और ये इनके विंटर कलेक्शन में से जो है वो फुल पलाची के ऊपर बना हुआ है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये इसकी नेकलाइन है ठीक है ये जो बॉर्डर आप यहां पर देख रहे हैं ये इस ड्रेस के साथ ऑलरेडी प्रोवाइडेड थी स्ट्रेट पट्टी थी लेकिन हमने जो है वो इसको नीटली यहां पर अपले किया है जो मोटिव बच गए थे उसको यहां पर सेट कर दिए हैं राउंड नेक लाइन बना दी है ठीक है स्लिट के साथ और ये वाली लेस हमने यहां पर बारीक सी लेस यहां पर नेक लाइन पर लगा दी है बैक साइड पर नीट सी फिनिशिंग कर दी है साथ में हमने कॉटन सिल्क की लाइनिंग अटैच कर दी है नेक लाइन के बाद जो है वो इसका ओवरऑल लुक कुछ इस तरह से है फिर इसका दामन है ये दामन पर ये वाली बॉर्डर इस ड्रेस के साथ ऑलरेडी प्रोवाइडेड थी और हमने जो है वो इसके ऊपर ये डिटेलिंग ऐड की है जिसके आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने पूरे दामन पे ये टेसल्स लगाए हैं ये देखें ठीक है टेसल्स लगाए हैं जिसके तो ऊपर ही हमने इस तरह से हैंगिंग्स बना दी है और बीच बीच में हमने पर्ल्स और ड्रॉप्स की डिटेलिंग कर दी है तो ये इसका लुक है ठीक है और यही डिटेलिंग हमने जो है वो बैक के दामन पे भी कर दी है फ्रेंड्स इस ड्रेस के साथ स्लीव्स है ठीक है यहाँ पर हमने जो है वो कनेक्टिंग इस तरह से नॉट्स वाली डिटेलिंग की है जो कि डोरी के साथ टेलर ने बनाई है और बीच बीच में हमने इस तरह से यहाँ पे क्रिस्टल्स लगाए हैं इसके बाद ये वाली बॉर्डर इस ड्रेस के साथ प्रोवाइडेड थी और फिर हमने जो है वो इस तरह की एक बॉर्डर ये वाली बॉर्डर लेके हमने टेलर को दी थी तो उन्होंने इस तरह से यहाँ पर अप्लिक कर दिया है और इसके ऊपर इस तरह से पर्ल्स की डिटेलिंग कर दी है ठीक है ये देखिए तीस ड्रेस के साथ ट्राउज़र है ट्राउजर प्लेन है लेकिन हमने इसके ऊपर भी लेसिंग कर दी है ये देखिए फ्रेंड्स ये ड्रेस के साथ दुपट्टा है ठीक है दुपट्टा थ्रू आउट इस तरह का है जैसा शर्ट का मटेरियल है और दुपट्टे के पलू पर हमने ये टेसल्स वाली लेस हैंग कर दी है इस तरह से ये आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सा इसका इफेक्ट आ रहा है और दुपट्टे की लंबी साइड पर जो हमने लेस लगाई है वो इस ड्रेस के साथ ऑलरेडी प्रोवाइडेड थी बैक साइड पर हमने फिनिशिंग की है और थ्रू आउट दुपट्टे की लेंथ पर हमने क्रिस्टल्स की डिटेलिंग कर दी है फ्रेंड्स नेक्स्ट ड्रेस मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी ये आसिम जोफा की ब्रांड का है ठीक है और इसमें भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग हुई हुई है इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये जो है वो सिल्की लॉन्न जैसा फैब्रिक है उसके ऊपर बना हुआ है ठीक है और ये आप देख सकते हैं नेक लाइन पर एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है यहाँ पर जो है वो हमने दो कलर की चटापटी की है और फिर बीच में हमने गोटे वाली लेस लगाई है इस तरह से ठीक है पिंक और ऑफ वाइट कलर से हमने चटापटी बनाई है और फिर बीच में हमने धनक लगाई है ठीक है अच्छा नेक लाइन कुछ इस तरह से है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर हमने जो है वो बीच में बटन्स लगाए हैं हमने चार बटन्स का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर इस तरह से नेक लाइन एंड हो जाती है इसके बाद ये इसका दामन है ठीक है आ, दामन के ऊपर हमने ये सीक्वेंस वाली लेस का इस्तेमाल किया है अगेन हमने चटापटी बनाई है और यहाँ पर हमने पॉल की डिटेलिंग की है और ये इसके चाक हैं और चाकों के ऊपर जो है वो हमने वही सीक्वेंस वाली लेस का इस्तेमाल किया है अगेन हमने यहाँ पर भी चटापटी की है और बैक साइड पे हमने नीट सी फिनिशिंग की है फ्रेंड्स ये ड्रेस के साथ स्लीव्स है ठीक है और स्लीव्स के ऊपर इस तरह से बूटियाँ बनी हुई है यहाँ पर इन्होंने ये बॉर्डर प्रोवाइड की थी तो इसके ऊपर की साइड पे और नीचे की साइड पर हमने वही चटापटी की है और यहाँ पर हमने चटापटी की पतली पट्टी लगाई है और यहाँ पर हमने थोड़ी चौड़ी लगाई है जो हमने दामन पे लेस का इस्तेमाल किया था वही लेस हमने स्लीवस पे लगाई है फ्रेंसी इस ड्रेस के साथ दुपट्टा है दुपट्टे का फैब्रिक नेट है और दुपट्टे के चारों साइड पे हमने ये गोल्डन लेस का इस तरह से इस्तेमाल किया है ठीक है और यहाँ पर हमने वही लेस का इस्तेमाल किया है जो हमने दामन और आस्तीन पे किया था फिर अगेन हमने यहाँ पर चटापटी की है और दुपट्टे के चारों कॉर्नर्स पर हमने ये टेसल्स लगा दिए हैं ये देखिए ये हमने चार टेसल्स जो हैं वो दुपट्टे के चार कॉर्नर्स पर लगा दिए हैं बहुत पेटी लग रहे हैं तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अल्लाह हाफिज़